हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेश और आज हम स्टडी करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8। और इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम आज सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन एंड डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन के बारे में देखने वाले हैं। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्रोमेटोग्राफी के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो देखिए, हम लैब में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस करते हैं, राइट? तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ भी आती है। आपने अगर कोई भी जनरल रिएक्शन देखी होगी तो उस रिएक्शन में एक तो होता है मेन प्रोडक्ट, राइट, और बाकी के जो होते हैं वो होते हैं बाय प्रोडक्ट्स। अब इन बाय प्रोडक्ट को भी हम इम्प्यूरिटीज़ कह सकते हैं, राइट? या फिर आप अगर लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी रिएक्शन कर रहे हो, तो कुछ हमारे तरफ से कुछ पर्सनल एरर्स हो सकते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल, हमने सब्सटेंस लेने के लिए कोई स्पैचुला यूज़ कर रहे, तो उस स्पैचुला में जंग लगा हुआ है, या फिर वो स्पैचुला पहले दूसरे कंपाउंड लेने के लिए यूज़ किया गया है और हमने बिना क्लीनिंग करके यूज लिया। मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लैब में पर्सनल एरर हो सकते हैं, राइट? तो इस पर्सनल एरर की वजह से भी कुछ इम्प्यूरिटीज उस प्रोडक्ट में आ सकती है। ओके, तो इन सारी इम्प्यूरिटीज़ को कैसे सेपरेट किया जाए वो सब हम आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। यहाँ से शुरू करते हैं फर्स्ट मेथड, विच इज सब्लिमेशन। यहाँ पे देखो सब्लिमेशन के डायग्राम। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखने वाले हैं। व्हाट इज मीन बाय सब्लिमेशन? सॉलिड सब्सटेंसेस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट इट्स कॉल्ड एज सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन का मतलब ऐसा होता है कि सॉलिड सब्सटेंसेस डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो रही। देखो, नॉर्मल कंडीशन कैसी होती है। पहले हम अगर सॉलिड सब्सटेंस ले, फॉर एग्जांपल हमने आइस लिया, उसको हमने हीट किया, तो आइस का क्या होगा? आइस का होगा वाटर में कन्वर्जन, राइट? अगर वाटर को फिर से हमने हीट किया तो उस वाटर का यानी कि उस लिक्विड का गैस में कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई नॉर्मल मेथड या फिर नॉर्मल टेक्निक। ठीक है, लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है? सब्लिमेशन में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कंपाउंड सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं हीटिंग करने के बाद। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं सब्लिमेबल कंपाउंड्स, राइट? ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, ये जो मेथड है वो कौन से सब्सटेंसेस को या फिर कौन से कंपाउंड्स को प्यूरिफाई कर सकती है? ठीक है, ये यहाँ पे देखने वाले। देखो, ये टेक्निक यूज़ की जाती है टू सेपरेट सब्लिमेबल कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल कंपाउंड्स। टेक्निक यूज़ की जाती है टू सेपरेट सब्लिमेबल एंड नॉन सब्लिमेबल कंपाउंड्स। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम पहले इसकी प्रोसेस डिस्कस कर लेते कि किस तरह से यहाँ पे प्रोसेस होने वाली है। देखो, ये पूरी असेंबली देखो, यहाँ पे नीचे बर्नर, यहाँ पे ऊपर चाइना डिश के ऊपर इन्वर्टेड फनेल। अब एक फनेल का एक एंड हमने कॉटन प्लग से बंद कर दिया है। ठीक है, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं? हम इस चाइना डिश को हीट करने वाले हैं। जैसे जैसे हम चाइना डिश को हीट करेंगे, उसमें जो सब्लिमेबल कंपाउंड होगा वो ऊपर जाएगा, राइट? सब्लिमेबल कंपाउंड्स मतलब उसका क्या होगा, सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्जन हो जाएगा। और ऊपर इस एंड पर देखो, यहाँ पे इस एंड पर आने के बाद वो जो सब्लिमेबल कंपाउंड है वो कूल हो जाएगा, और कूल होने के बाद उसके इस तरह से क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो अच्छे से समझ लेना, पहले हमने चाइना डिश ली, चाइना डिश में हमने मिक्सचर लिया। अब इस मिक्सचर में क्या है, इस मिक्सचर में एक सब्लिमेबल कंपाउंड है, राइट, और एक नॉन सब्लिमेबल कंपाउंड है। ठीक है, अब जो सब्लिमेबल कंपाउंड होगा उसको हीट करने के बाद वो ऊपर जाएगा, वो गैसेस की फॉर्म में ऊपर गया,
और ऊपर जाने के बाद, यहाँ जाने के बाद वो कूल हो गया, राइट। कूल होने के बाद उसका फिर से कन्वर्जन किस में हुआ, फिर से उसका सॉलिड क्रिस्टल्स में कन्वर्जन हुआ, ठीक है। अब ये जो ऊपर है, ये ऊपर वाला होगा सब्लिमेबल कंपाउंड, ठीक है, और नीचे वाला होगा नॉन सब्लिमेबल। इस तरह से हम दो कंपाउंड्स को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल मेथड है यहाँ पे। पहला ये कौन सा है, ये सब्लिमेबल और ये नॉन सब्लिमेबल। इस तरह से हमने इस मिक्सचर को सेपरेट कर दिया। अब आप यहाँ पे इसके डायग्राम देख सकते हो, डायग्राम अपने बुक में, अपने नोटबुक में अच्छी तरह से बना लेना। और इसमें कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, पहले तो सब्लिमेशन की डेफिनेशन, राइट, देन उसके बाद यूज टू सेपरेट सब्लिमेबल कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल इम्प्यूरिटीज, ठीक है। अगर इस टॉपिक पे आपको ब्रीफ क्वेश्चंस लिखने को, ब्रीफ आंसर लिखने को आया, तो आपको क्या करना है, आपको ये पूरी प्रोसीजर एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन इट इज यूज टू प्यूरिफाई सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस अगर लैब में किया हो तो आपको पता होगा क्रिस्टलाइजेशन हम बहुत बार लैब में करते हैं, राइट। देखो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है। अब एक क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो जनरली सोल्यूबिलिटीज के बेसिस पे होता है, ठीक है। हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर हमने जो कंपाउंड सिंथेसाइज किया उसकी सोल्यूबिलिटी और उस इम्प्यूरिटीज़ की सोल्यूबिलिटी, ठीक है। तो उसके लिए हम एक सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये होता है इम्प्योर कंपाउंड, ठीक है। अब इस इम्प्योर कंपाउंड मतलब हमने जो भी लैब में सिंथेसिस किया हो कंपाउंड वो लिया, उसको हम एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। अब इस सॉल्वेंट कैसे चूज करना है, इसकी भी एक टेक्निक होती है। पहली चीज, कंपाउंड शुड नॉट बी सोल्यूबल एट रूम टेम्परेचर। हमें ऐसा सॉल्वेंट लेना है, ऐसा सॉल्वेंट हमें चूज करना है जिसमें कंपाउंड शुड नॉट बी सोल्यूबल, शुड नॉट बी सोल्यूबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में उस सॉल्वेंट में हमारा कंपाउंड सोल्यूबल नहीं होना चाहिए, ऐसा सॉल्वेंट हमें चूज करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट, कंपाउंड शुड बी सोल्यूबल एट हायर टेम्परेचर। कंपाउंड शुड बी सोल्यूबल एट हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर में वो जो कंपाउंड है हमारा वो सॉल्वेंट में सोल्यूबल होना चाहिए, तो ऐसा सॉल्वेंट हमें चूज करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सॉल्वेंट को ही भी चूज किया, राइट, हमने हमारा कंपाउंड उस सॉल्वेंट में डिजोल्व किया इस तरह से, ठीक है। अब उसे सोल्यूबल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्लाइटली उसको हीट करेंगे, ठीक है। हमने अच्छे से उसको हीटिंग किया, हीटिंग करने के बाद पूरा जो कंपाउंड है उस सॉल्वेंट में सोल्यूबल हो गया। सोल्यूबल होने के बाद हमें क्या करना है, उस सॉल्यूशन को कूल करना है, राइट। कूल होते समय वो जो सॉल्यूशन होगा उसमें कुछ क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे, कूल टू क्रिस्टलाइज, उसमें कुछ क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे। अब ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये होते हैं हमारे प्योर कंपाउंड के क्रिस्टल्स, राइट। और जो इम्प्यूरिटीज होती है वो सॉल्वेंट में वैसे के वैसे सोल्यूबल रह जाती है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब जो क्रिस्टल्स होंगे वो प्योर कंपाउंड के क्रिस्टल्स होंगे और जो इम्प्यूरिटीज होंगी वो वैसे के वैसे सॉल्यूशन में पड़ी रहेंगी, ठीक है। अब हमें उसे फिल्टर करना है, आप देख सकते हो फिल्टर की असेंबली। इस तरह से हमने उसे फिल्टर किया, ये या फिर फनेल, ये फिल्टर पेपर, ठीक है। हमने ऊपर से हमारा सॉल्यूशन ऐड किया। अब ये जो नीचे आएगा उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट। इस फिल्ट्रेट में इम्प्यूरिटीज एंड जो भी हमने सॉल्वेंट यूज़ किया वो सॉल्वेंट होता है, ठीक है। और इस फिल्टर पेपर के ऊपर हमें हमारा प्योर कंपाउंड मिल जाता है, ठीक है। ये ऊपर वाला, यहाँ पे देखो आप, प्यूरिफाइड कंपाउंड,
इस टेक्निक को, इस प्रोसीजर को हम अगर बार बार रिपीट करेंगे तो हमें प्यूरिफाइड कंपाउंड, हाईली प्यूरिफाइड कंपाउंड मिल सकता है। ठीक है, ओके। तो ये थी क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक, क्रिस्टलाइजेशन मेथड। इसके डायग्राम आप अच्छे से बना लेना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्निक की तरफ, नेक्स्ट मेथड, विच इज डिस्टिलेशन। ओके, अब देखो ये डिस्टिलेशन मेथड पहले तो किसके लिए यूज की जाती है। इट यूज्ड टू सेपरेट होलेटाइल लिक्विड्स फ्रॉम नॉन होलेटाइल इम्प्योरिटीज। ठीक है, ये मेथड यूज की जाती है होलेटाइल लिक्विड को नॉन होलेटाइल इम्प्योरिटीज से अलग करने के लिए। ठीक है, लिक्विड्स विथ सफिशियंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। दो लिक्विड्स भी या इससे सेपरेट कर सकते हैं जिनमें सफिशियंट बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो। ठीक है, या आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, एग्जाम्पल्स क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बॉइलिंग पॉइंट होता है 334 केल्विन, एंड एनिलीन जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 457 केल्विन, मतलब अप्रोक्सीमेटली 125 केल्विन का कुछ फर्क होगा इसमें। ठीक है, 120-125 केल्विन का कुछ फर्क है। तो ये दो लिक्विड्स भी इससे सेपरेट हम कर सकते हैं। राइट, अब हमने पहले क्या देखा था, टू सेपरेट होलेटाइल लिक्विड्स फ्रॉम नॉन होलेटाइल इम्प्योरिटीज। अब यहाँ पे होलेटाइल लिक्विड्स मतलब क्या, होलेटाइल लिक्विड्स मीन्स लिक्विड्स विच इवेपरेट एट नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पे जो इवेपरेट होते हैं उन्हें हम होलेटाइल लिक्विड्स कहते हैं। इस तरह के लिक्विड्स हम नॉन होलेटाइल इम्प्योरिटीज से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं हम पूरी प्रोसीजर। यहाँ पे देखो आपको असेंबली नज़र आ रही, इस असेंबली में पहले तो ये राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है, यहाँ पे थर्मामीटर, ये वाटर कंडेंसर, और ये यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क, यहाँ पे बर्नर। राइट, ये पूरी हमने यहाँ पे असेंबली लगा दी। अब हम क्या करेंगे, हमने कोई भी मिक्सचर लिया जिस मिक्सचर में एक तो होलेटाइल कंपाउंड है और एक नॉन होलेटाइल कंपाउंड है। ठीक है, हमने ये पूरा मिक्सचर लिया, यहाँ पे देख सकते हो आप मिक्सचर। अब इस मिक्सचर को हम थोड़ा सा हीट करेंगे। ठीक है, इस मिक्सचर को हमने हीटिंग करना स्टार्ट किया। जिस तरह से हम इस मिक्सचर को हीट कर रहे हैं उस तरह से होलेटाइल लिक्विड्स यहाँ से ऊपर जाएगा, गैस की फॉर्म में यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जाने के बाद इस वाटर कंडेंसर से नीचे आएगा। अब ये वाटर कंडेंसर पहले देख लो, वाटर कंडेंसर मतलब जो उस असेंबली को कूल करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे गैस था ना, तो इस वाटर कंडेंसर में आकर लिक्विड या जो भी सब्सटेंस होगा वो कूल होगा, और कूल होने के बाद उसका कन्वर्जन लिक्विड में हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड में होने के बाद वो इस कोनिकल फ्लास्क में इस तरह से कलेक्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल मेथड है। ठीक है, अब ये टेक्निक कैसे होती है, मतलब देखो यहाँ पे हमने मिक्सचर लिया। ठीक है, होलेटाइल कंपाउंड क्या करेगा, सबसे पहले वही तो ऊपर जाएगा, वो ऊपर जाता है इस तरह से, और इस वाटर कंडेंसर से लिक्विड के फॉर्म में इस कोनिकल फ्लास्क में कलेक्ट होता है। राइट, अब इस कोनिकल फ्लास्क में होता है होलेटाइल लिक्विड, एंड इस राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या रह जाता है, राउंड बॉटम फ्लास्क में रह जाता है नॉन होलेटाइल कंपाउंड या फिर नॉन होलेटाइल इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो ये थी सेपरेशन की मेथड। अब ये मेथड हम होलेटाइल लिक्विड्स में भी यूज़ कर सकते हैं और दो लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन सिर्फ एक होती है कि दो लिक्विड्स अगर हमने लिए तो उसके बॉइलिंग पॉइंट्स में सफिशियंट डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम हो और दोनों एक साथ ही बॉइल होना स्टार्ट हो जाए, एक साथ ही दोनों के ऊपर वेपर्स ऊपर चले जाए। तो ऐसे क्या होगा, दोनों के साथ वेपर्स अगर ऊपर गए तो दोनों के वेपर्स साथ में ही लिक्विड होंगे और फिर से इस कोनिकल फ्लास्क में एक नया मिक्सचर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों में सफिशियंट डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हमने वो दोनों लिक्विड लिए तो पहले जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो लिक्विड का कन्वर्जन गैस में हो जाएगा। ठीक है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड ऊपर जाएगा और इस वाटर कंडेंसर से होते हुए लिक्विड के फॉर्म में इस कोनिकल फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला जो लिक्विड होगा वो
इसी राउंड बॉटम फ्लास्क में रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोअर बॉइलिंग पॉइंट एंड हायर बॉइलिंग पॉइंट मतलब दो लिक्विड्स भी इस टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप डिस्टिलेशन के डायग्राम, ये डायग्राम अपने नोटबुक में अच्छी तरह से बना लेना, ठीक है, और इसके पॉइंट्स भी अच्छी तरह से लिख लेना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक विच इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, पहले जो डिस्टिलेशन हमने देखा वो था सिंपल डिस्टिलेशन, अब आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, अभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसके लिए यूज किया जाता है? व्हेन द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ टू लिक्विड्स इज वेरी क्लोज देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन। ठीक है, देखो हमने जो सिंपल डिस्टिलेशन था उसमें देखा था कि हम दो लिक्विड्स सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें सफिशियंट बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो उस टेक्निक का ये लिमिटेशन होता है, राइट। अब उसके ऊपर अगर दो लिक्विड्स में इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं होगा तो उस लिक्विड को हम कैसे सेपरेट करें? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम वैसे भी लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट्स में कुछ सफिशियंट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब इस टेक्निक का एग्जाम्पल देख लो पहले, टू सेपरेट फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। क्रूड ऑयल को सेपरेट करने के लिए या क्रूड ऑयल को प्यूरिफाई करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। ठीक है, देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की असेंबली, इस असेंबली में पहले तो ये होता है राउंड बॉटम फ्लास्क, देन नेक्स्ट फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, थर्मामीटर, वाटर कंडेंसर एंड कोनिकल फ्लास्क। बिल्कुल सिंपल डिस्टिलेशन की तरह ही ये असेंबली है, सिर्फ इसमें डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को हमने ऐड कर दिया, राइट। अभी आप देखते हैं इसकी प्रोसीजर। देखो पहले तो हमें जो मिक्सचर सेपरेट करना है या फिर डिस्टिल करना है वो हमने यहाँ पे लिया राउंड बॉटम फ्लास्क के एकदम राउंड बॉटम फ्लास्क में वो मिक्सचर हमने लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उस मिक्सचर को धीरे धीरे हीट करना स्टार्ट करेंगे, राइट। अब उसमें दो तरह के लिक्विड्स है, एक जो लिक्विड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई है और एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम है उससे। ठीक है, तो जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड होगा वो पहले गैस में कन्वर्ट होते हुए ऐसे ऊपर जाएगा। अब इसमें एक बात है, दोनों लिक्विड्स में कुछ बॉइलिंग पॉइंट्स में कुछ खास डिफरेंस नहीं, इसलिए ये लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड कुछ यहाँ तक जाएगा। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ तक गया तो नीचे से जो नेक्स्ट लिक्विड होगा वो भी यहाँ से गैस में उसका कन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें फिर भी सफिशियंट डिफरेंस रहेगा क्योंकि ऊपर हमने क्या ऐड किया है, ऊपर हमने लगाया है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करता है, ये क्राउड कंट्रोलर की तरह एक्ट करता है, क्राउड कंट्रोलर। ठीक है, आप अगर किसी भी मॉल में गए हो तो आप देखो, आप यहाँ से अगर जाते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप एक सर्कल बना होता है सर्कल, राइट, वो क्या करता है क्राउड को कंट्रोल करने के लिए होता है। या फिर आप किसी एयरपोर्ट पे गए हो, एयरपोर्ट पे भी क्या होता है, क्राउड कंट्रोलर होता है। ठीक है, या फिर इतना ही नहीं, आप अगर किसी मंदिर में गए हो तो फॉर एग्जांपल आप बीच में से चल रहे हो, ठीक है, तो बीच में से चल के आप सीधे भगवान के पास पहुंच सकते हो, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं जो आपको घुमा घुमा कर फिर वहीं पे लेकर जाते हैं, राइट। ठीक है, तो इस तरह की टेक्निक होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के इस कॉलम की। ये कॉलम भी क्या करते हैं, ये कॉलम भी उस गैसेस को क्या करते हैं, ऐसे अंदर ही घुमाते रहते हैं। अब इस घुमाने से क्या होता है, इस घुमाने से ये जो दो लिक्विड्स होंगे उनकी गैसेस में कुछ सफिशियंट डिफरेंस रह जाता है, राइट। हमने हीट तो पूरा गया, हीट तो प्रॉपर हीट किया है हमने, फिर भी उन गैसेस में कुछ डिफरेंस रह जाता है। अब उसी डिफरेंस का फ़ायदा हम लेने वाले, हम क्या करते हैं, फिर पहले वाली गैस का कंडेंसेशन करके उसको हम कोनिकल फ्लास्क से निकाल लेते। ठीक है, अब जब नेक्स्ट गैस आएगी उस गैस को भी हम क्या करेंगे, फिर से कंडेंस करेंगे, फिर उसे निकालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट को निकालेंगे। इस तरह से ऐसे करके हम बहुत सारे लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की वजह से। ठीक है, मेथड एकदम सिंपल है, यहाँ पे क्राउड कंट्रोलर की तरह कंट्रोलर का यूज़ किया गया है, एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है,
अभी यहाँ पे क्राउड कौन सा है, क्राउड यहाँ पे कोई लोग नहीं है, यहाँ पे क्राउड होने वाले गैसेस का क्राउड, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। अब ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के आप टाइप्स देख सकते हो, यहाँ पे देखो, ये देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के टाइप्स, ये होता है फर्स्ट टाइप सिंपल पैक्ड कॉलम, ग्लास बेड से ये बना होता है। उसके बाद बबल प्लेट कॉलम, देखो यहाँ से गैस जाएगी, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे कर करके कर करके ऊपर जाएगी, राइट। ओके, तो ये पूरी मेथड होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। यहाँ पे आप इसके डायग्राम देख सकते हो, नोटबुक में अपने डायग्राम बना लेना, ठीक है। अब पढ़ते हम नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो कि डिस्टिलेशन का ही एक टाइप है, जिसे हम कहते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। हमने सिंपल डिस्टिलेशन भी देख लिया, उसमें क्या करते हैं हम वोलेटाइल को नॉन वोलेटाइल से सेपरेट कर सकते हैं, वो आप ही हम आप अगर सफिशियंट डिफरेंस ना हो। तो हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी देख लिया, हमने क्या देखा कि वहाँ पे अगर सफिशियंट डिफरेंस ना हो बॉइलिंग पॉइंट में, वैसे भी लिक्विड हम सेपरेट कर सकते हैं। अब इसमें क्या देखना है भाई, तो इसमें हमें यह देखना है, इट यूज टू प्योरीफाई लिक्विड्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड दोज विच डिकम्पोज एट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। इसमें क्या देखना है हमें, हमें ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करना है जो जिस लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत हाई है, लेकिन उसके बॉइलिंग पॉइंट के पहले ही या फिर उसके बॉइलिंग पॉइंट तक जाते जाते वो लिक्विड्स डिकम्पोज हो जाती, राइट, डिकम्पोज हो जाती। तो ऐसे लिक्विड्स को हम कैसे सेपरेट करें भाई, वो डिकम्पोज भी ना हो और उसको हम सेपरेट भी करें, इसके लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जो है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ओके, अब इसमें आपको एक चीज़ समझनी होगी, आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये अगर एक हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो लिक्विड बॉइल करना स्टार्ट कर देगा। अब हम इस टेक्निक में सिंपल करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही खींचने वाले हैं। अगर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दिया तो वो जो लिक्विड होगा वो उस टेम्परेचर के पहले ही बॉइल करना स्टार्ट कर देगा, वो डिकम्पोजिशन के पहले ही बॉइल करना स्टार्ट कर देगा। इससे हम उस लिक्विड को डिकम्पोज होने से भी रोक सकते हैं और उस लिक्विड को हम सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसीजर, इसका एग्जांपल चाहे तो आप लिख सकते हो, ग्लिसरॉल सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक मिक्सचर लिया, राइट, वेरी जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है और जो उस बॉइलिंग पॉइंट डिकम्पोज हो जाता है, ऐसा कोई मिक्सचर हमने इस राउंड बॉटम फ्लास्क में लिया। अब यहाँ से देखो आप, यहाँ पे हमने वाटर कंडेंसर लगाया हुआ है, यहाँ पे हमने क्या लगाया, फिर से एक राउंड बॉटम फ्लास्क, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने लगाया वैक्यूम पंप, ठीक है। ये होता है वैक्यूम पंप, ये क्या करेगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को खींच लेगा। तो इस तरह से कुछ प्रोसीजर होती। देखो अब हमने क्या किया, अब हमने इस मिक्सचर को बॉईल करना, हीटिंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हीटिंग करने के बाद उसका कन्वर्जन गैस में हो जाएगा, लेकिन 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 ये बॉईल कब होगा, हमने हीटिंग तो स्टार्ट कर दी, ये बॉईल होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट के पहले ही, राइट, क्योंकि हम इस पूरे राउंड बॉटम फ्लास्क का एटमॉस्फेरिक प्रेशर खींचने वाले, तो ये पहले ही बॉईल होना स्टार्ट कर देगा, राइट। मतलब ये डिकम्पोज नहीं हुआ, ये पहले ही बॉइल करना स्टार्ट कर देगा, तो इसके गैसेस यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से फिर से होगी वाटर कंडेंसेशन, राइट। मतलब इस गैस का कंडेंसेशन हो गया, उसका कन्वर्जन लिक्विड में होगा और वो जो लिक्विड है वो इस राउंड बॉटम फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और बाकी का बचा हुआ लिक्विड इस फ्लास्क में होगा। तो इस तरह से हम दो लिक्विड्स को या फिर उस लिक्विड को प्यूरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी असेंबली देख सकते हो, आपके नोटबुक में आप इसकी डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। सिर्फ इतना समझ लेना कि कौन कौन सी डिस्टिलेशन टेक्निक्स
किस चीज के लिए यूज की जाती है। सिंपल डिस्टिलेशन किस चीज के लिए, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, राइट। फिर उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अगर उन लिक्विड्स में ज्यादा कुछ बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ना हो तो यूज की जाती है। अब ये डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर किसके लिए, ऐसे लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत हाई है लेकिन वहाँ तक जाते जाते वो खुद ही डिकम्पोज हो जाती है, ऐसे लिक्विड्स के लिए कौन सी टेक्निक, ये डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ये मेथड उसके लिए यूज की जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है स्टीम डिस्टिलेशन। ओके ये फोर्थ मेथड है डिस्टिलेशन की। इट यूज्ड टू सेपरेट सब्सटेंसेस विच आर स्टीम वोलेटाइल एंड वाटर इनसोल्यूबल। यहाँ पे आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, एनिलीन वाटर मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। चलिए इसकी बढ़ते इसकी प्रोसीजर की तरफ सीधे। यहाँ पे देखो, अब हमने दो राउंड बॉटम फ्लास्क लिए, दोनों के नीचे बर्नर है, ठीक है। एक राउंड बॉटम फ्लास्क में वाटर है, दूसरे राउंड बॉटम फ्लास्क में मिक्सचर है जिसे हमें सेपरेट करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों बर्नर ऑन करेंगे और पहले वाटर बॉयल होगा और उस वाटर से क्या जाएगी, ये स्टीम यहाँ से पास होकर इस राउंड बॉटम फ्लास्क में जाएगी। अब ये राउंड बॉटम फ्लास्क में हिट जाने के बाद हमारा जो कंपाउंड होगा और स्टीम दोनों एक साथ हमारी कंपाउंड की स्टीम, कंपाउंड की मतलब लिक्विड का गैस, ठीक है, जो भी लिक्विड हमें प्यूरिफाई करना है उसका गैस और ये जो स्टीम है ये आपस में मिलकर फिर से ऊपर जाएगी और ऊपर जाने के बाद ये वाटर कंडेंसर से होते हुए नीचे आएगी, ठीक है। अब इस वाटर कंडेंसर से क्या होगा, जो स्टीम होगी और जो गैस होगा दोनों का कन्वर्जन लिक्विड में होगा, ठीक है, दोनों का कन्वर्जन लिक्विड में होगा। लेकिन ये दोनों कोनिकल फ्लास्क में आपस में बिल्कुल मिक्स नहीं होने वाले, क्योंकि पहले हमने देख लिया कि जो सब्सटेंस होगा वो स्टीम वोलेटाइल होगा लेकिन वाटर इनसोल्युबल होगा। ऐसे ही सब्सटेंस के लिए ये टेक्निक का यूज किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल से समझ लेना, देखो ये टेक्निक किसके लिए यूज की जाती है, ये टेक्निक ऐसे सब्सटेंस के लिए यूज की जाती है जो स्टीम वोलेटाइल तो होते ही लेकिन जो वाटर इनसोल्युबल होते हैं, ठीक है। उसका एग्जाम्पल एनिलीन वाटर मिक्सचर, ठीक है, एक तरफ हमने यहाँ पे वाटर लिया, उसको हीट किया, उसकी स्टीम हमने पास होने दी किसमें, हमारे कंपाउंड में, राइट, हमारे मिक्सचर में। अब मिक्सचर में वो स्टीम जाने के बाद क्या होगा, जो लिक्विड होगा वो वेपराइज होना स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर हमारा जो लिक्विड एंड स्टीम दोनों एक साथ इस वाटर कंडेंसर से होते हुए नेक्स्ट कोनिकल फ्लास्क में मिल जाएंगे, राइट। और ये कोनिकल फ्लास्क में ऊपर होगा, फॉर एग्जांपल दो लेयर्स बनेंगे, एक लेयर होगा वाटर का और दूसरा लेयर होगा हमारे लिक्विड का। अब इसको कैसे सेपरेट करना है, इस मिक्सचर को या फिर इस लेयर को कैसे सेपरेट करना है, ये सेपरेट करना है हमें सेपरेटरी फनेल से। मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सेपरेटेड बाय यूजिंग सेपरेटरी फनेल। यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट टेक्निक में हम ये सेपरेटरी फनेल यूज करने वाले हैं, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल हमने इस सेपरेटरी फनेल में वो ऊपर वाला हमारा जो कोनिकल फ्लास्क में मिक्सचर था वो इस सेपरेटरी फनेल में ऐड कर दिया, तो ऊपर फॉर एग्जांपल वाटर रहेगा, राइट, ऊपर वाटर रहेगा और नीचे हमारा जो लिक्विड है वो रहेगा। तो हम सिंपल क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, ये जो कॉक होगा ये कॉक को ऑन करेंगे, नीचे जो लिक्विड होगा उसको निकाल लेंगे और वाटर को फिर से अलग कर देंगे। तो इस तरह से हम स्टीम डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं, राइट। ये हो जाएगी चौथी मेथड डिस्टिलेशन की, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं लेक्चर के लास्ट टॉपिक की तरफ, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। ये होता है लेक्चर का लास्ट पॉइंट, व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन एन एक्वियस मीडियम। अब ये डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन किस चीज में यूज किया जाता है, जब हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्वियस मीडियम में मतलब वाटर सोल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा प्रेजेंट हो, बिल्कुल वाटर में सोल्यूबल कंपाउंड हमारा है, ठीक है। तो उस टेक्निक में, उस केस में इस मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। इट्स सेपरेटेड बाय शेकिंग कंपाउंड विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन विच इट इज मोर सोल्यूबल देन वॉटर बाय यूजिंग सेपरेटरी फनेल,
देखो हमने इस तरह से कोई सेपरेटरी फनेल लिया, फॉर एग्जांपल ऐसी कुछ असेंबली होती है सेपरेटरी फनेल की। अभी सेपरेटरी फनेल नहीं है, ये आई ड्रॉप से मेरा ये मैंने लिया है यहाँ पे, देखो आप समझ लेना ये पूरा कांच का होता है, ये जो सेपरेटरी फनेल होता है ये पूरा कांच से बना हुआ होता है। इसके नीचे यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक कॉक होता है, उससे हम एक सब्सटेंस को निकाल सकते हैं, और ऊपर भी ये खुला होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ऊपर वाला देखो पार्ट, ऊपर इस तरह का पार्ट होता है, ऊपर हम यहाँ पे यहाँ से सब्सटेंस को ऐड करते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाले पार्ट से ऐसा कुछ सेपरेटरी फनल होता है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें एक चीज़ करनी है, हमें जो एक्वियस मीडियम है, जिस एक्वियस मीडियम में मतलब जिस वाटर में वो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, वो कंपाउंड पहले तो इस फनल में ऐड करना है। ठीक है, ओके, अब हमें ऐसा सॉल्वेंट लेना है जिसमें हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा सोल्यूबल हो, वाटर से भी ज़्यादा सोल्यूबल हो, ऐसा सॉल्वेंट हमें लेना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें, देखो यहाँ पे देख सकते हो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन विच इट इज़ मोर सोल्यूबल देन वाटर, वाटर से ज़्यादा सोल्यूबल होने वाला कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेना है हमें, वो सॉल्वेंट भी हमें इसमें ऐड करना है। ठीक है, मतलब इस सेपरेटरी फनल में हमने पहले तो ऐड किया एक्वियस मिक्सचर, ठीक है, उसके बाद हमारा सॉल्वेंट लेयर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल इसको इस तरह से शेक करना है, राइट, इसको शेकिंग देनी है, इस तरह से हमें शेक करना है बहुत देर तक। ठीक है, शेकिंग करने के बाद क्या होगा, वो आपस में एक्वियस लेयर एंड सॉल्वेंट लेयर आपस में मिक्स होने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे, ये एक दूसरे में मिक्स होगी। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्वियस लेयर में प्रेजेंट है वो किसके कॉन्टैक्ट में आएगा, वो सॉल्वेंट लेयर के कॉन्टैक्ट में आएगा। सॉल्वेंट लेयर के कॉन्टैक्ट में आने के बाद वो ऑर्गेनिक कंपाउंड धीरे धीरे सॉल्वेंट लेयर में डिजॉल्व होना स्टार्ट कर देगा, राइट, बिकॉज इट इज़ मोर सोल्यूबल इन सॉल्वेंट लेयर दैन दी वाटर, इसलिए वो क्या करेगा, धीरे धीरे सॉल्वेंट लेयर में डिजॉल्व होना स्टार्ट कर देगा। ऐसा थोड़ा थोड़ा करके हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप नेक्स्ट डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर वाला जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सॉल्वेंट लेयर और ये नीचे एक्वियस लेयर, ऐसा धीरे धीरे कर करके हम हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड सेपरेट करेंगे, और इस कॉक से ये नीचे जो कॉक है इससे हम हमारा एक्वियस लेयर निकालेंगे और उसके बाद सॉल्वेंट लेयर को अलग कर देंगे। अब उस सॉल्वेंट लेयर को अलग करने के बाद, सॉल्वेंट लेयर को हमने अलग कर दिया, राइट, लेकिन हमें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए, हमें विद सॉल्वेंट नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम या तो डिस्टिलेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं या फिर इवेपोरेशन मेथड से हम सॉल्वेंट को अलग करेंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड को फिर से अलग कर देंगे। ठीक है, सिंपल चीज़ है। एक्वियस लेयर को हमने निकाल दिया, फिर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो भी सॉल्वेंट लेयर था उसको भी निकाला, उसको निकालने के बाद डिस्टिलेशन मेथड से या फिर इवेपोरेशन मेथड से उन दोनों को सेपरेट कर दिया और हमें हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर से वैसा मिल गया। अभी ये सेपरेटरी फनल की एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, मैं आईसर पुणे में प्रोजेक्ट कर रहा था, आईसर पुणे यहाँ पे प्रोजेक्ट हमारा चल रहा था, एमएससी के साथ साथ में प्रोजेक्ट भी वहाँ पे कर रहा था, तो वहाँ पे हमारे जो गाइड थे उन्होंने हमें ये सेपरेटरी फनल को यूज़ कैसे करता है वो सिखाया था। देखो ये पूरा एक ग्लास का बना होता है सेपरेटरी फनल, पूरा का पूरा ग्लास का बना होता है, नीचे ये कॉक होता है। ठीक है, तो हम क्या करते थे, हम उसको शेक करने के बाद इस कॉक को थोड़ा सा ढीला कर देते हैं। मतलब देखो ये फॉर एग्जांपल ये सेपरेटरी फनल, इसको हमने अगर ऐसे शेक किया, ठीक है, तो ऐसा उसे उल्टा करना है और इस कॉक को थोड़ा सा ऐसा घुमाना है। क्यों, देखो शेक करने के बाद ये जो पूरा सेपरेटरी फनल में है ना, गैसेस फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं, उससे क्या होता है, ये पूरे के पूरे फनल में एक तरह का प्रेशर लगाता है, एक तरह की एनर्जी लगाता है, इससे ये सेपरेटरी फनल ब्रेक भी हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा शेक किया, फिर आपको आपने ऐसा ऊपर ऐसे रखा, फिर कॉक को ढीला किया, उसके बाद वहाँ से जो एक्स्ट्रा प्रेशर था या फिर गैसेस थी वो बाहर निकल जाएंगी, फिर से उसको कॉक को बंद किया, फिर शेक किया, ऐसे कर करके आपको ये टेक्निक करनी है। ठीक है, अभी आप ये देखो कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक पे पूछे जा सकते हैं आपके स्टेट बोर्ड में या फिर CBSE बोर्ड में। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स टेकिंग एन एग्जांपल इन ईच केस। पहले तो आपको प्रिंसिपल लिखना है,
फिर ये जो नीचे तीन टेक्निक से उसको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन, देन डिस्टिलेशन, देन क्रोमेटोग्राफी। अब ये क्रोमेटोग्राफी जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले, क्रिस्टलाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल आपने क्रिस्टलाइजेशन अगर लिया तो आपको क्या क्या लिखना है, क्रिस्टलाइजेशन लिया तो आपको पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है, राइट, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। फिर किसके लिए यूज किया जाता है, यूज टू सेपरेट या फिर यूज टू प्यूरिफाई सॉलिड कंपाउंड के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। और ये किस बेसिस पे किया जाता है, सोल्युबिलिटीज के बेसिस पे, मतलब सॉल्वेंट में हमारा कंपाउंड कैसे सोल्यूबल होता है या फिर इम्प्यूरिटीज कैसे सोल्यूबल होती है, ठीक है, उनके सोल्युबिलिटीज पे ये एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन की बहुत अच्छी तरह से हमें डायग्राम निकाल लिए, प्रोसीजर यहाँ पे लिखनी है और उसका एक एग्जांपल इस तरह से कर करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद डिस्टिलेशन का भी बिल्कुल ऐसे ही, राइट, डेफिनेशन, यूज टू प्यूरिफाई, देन उसकी डायग्राम, देन एग्जांपल, ठीक है, ऐसे कर करके आपको लिखना है। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी का भी बिल्कुल वैसे ही। देन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर एंड स्टीम डिस्टिलेशन, इनका डिफरेंस क्या क्या होता है। देखो हर एक डिस्टिलेशन में हमने डायग्राम में भी देखा, एक एक कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। सिंपल डिस्टिलेशन में सिंपल क्या था, वाटर कंडेंसर था या फिर राउंड वाटर फ्लास्क था, ठीक है। अंडर रिड्यूस प्रेशर में वैक्यूम पंप ऐड हो गया, अब वो क्यों ऐड हुआ उसका कारण हमने लेक्चर में देख लिया। स्टीम डिस्टिलेशन में और क्या ऐड हुआ और उसका रीजन, ऐसे कर करके आपको इसका डिफरेंस लिखना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं स्टेट बोर्ड में। यहां पे खत्म होता है हमारा आज का लेक्चर, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।